हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसके इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना पहला इलेक्शन है कि इतना वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, और पंजाब में और KPK में, ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई है, कराची में या लाहौर में, और खास जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात की हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाजह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है, फार्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालबा ये है कि फार्म 45 के मुताबिक जो नतज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालबा करूँगा और हमारी पार्टी मुतालबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं, महमूद खान शख्सैसी से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, क्वेटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये आवाम को देती है, ये कंस्टिट्यूशनल राइट है एक आवाम की, जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करें।